Hey guys, welcome back to my channel. इस वीडियो में मैं आपको कल का रेलवे स्टेशन का टूर दूंगी कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं एंड क्या मिलेगा आपको अगर आप यहाँ से शिमला जाना चाहते हैं या फिर आप कोई और ट्रेन ले रहे हैं यहाँ से. तो कीप वॉचिंग टू नो मोर अबाउट इट. ये बाकी डिटेल्स मैं आपको आगे दिखा देती हूँ, बट जो प्लेटफॉर्म्स हैं बेसिकली कालका रेलवे स्टेशन पे 7 प्लेटफॉर्म्स हैं. आपकी टॉय ट्रेन जाती है एंड वो मतलब आपके टिकट काउंटर वाले ही प्लेटफॉर्म पे है. तो जहाँ से आप जैसे बाहर निकलेंगे एग्जिट करेंगे वहाँ पे टिकट काउंटर होता है, उसी वही वाले प्लेटफॉर्म में. थोड़ा आगे जाएंगे आगे तो आपको टॉय ट्रेन्स दिख जाएंगी वहाँ पे. एंड हाँ, प्लेटफॉर्म्स तो इतने ही हैं वहाँ पे. आपको सिटिंग एरिया बहुत सारा मिलेगा तो बहुत कोई टेंशन की बात नहीं है. एंड जनरली लोग वहाँ पे थ्रू आउट द डे भी रहते हैं, नाइट भी रहते हैं, तो काफ़ी सेफ भी है. एज अ फीमेल सोलो ट्रैवलर ऑल्सो मुझे वहाँ पे लोग मिल गए थे जो मेरी हेल्प कर रहे थे सब में, तो बिल्कुल ही इशू की बात नहीं है. बाकी आप आगे वीडियो देखिए टू नो कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज वहाँ पर मिल सकती है. तो यहाँ पे आपको ओवरहेड ब्रिज मिल जाएगा प्लेटफॉर्म 1 पहुँचने के लिए. प्लेटफॉर्म 1 में ही सबसे मेन चीज़ें हैं. आपको यहाँ पे पानी पीने के लिए भी मिल जाएगा एंड यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट रूम भी है जो एक्चुअली रात में तो बंद होता है बट दिन में खुला होता है. यहाँ से बाहर आप आओगे तो आपको टिकट काउंटर मिलेगा. यहाँ से आप टॉय ट्रेन का टिकट ले सकते हो या कोई भी अनरिजर्व टिकट ले सकते हो कहीं और जगह का अगर आपको लेना है तो. इधर सारा कॉस्ट भी लिखा हुआ है कि कौन से स्टेशन का कितना कॉस्ट पड़ेगा आपको एंड कितना क्लास का क्या पड़ेगा. वहाँ से टिकट लेने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं. प्लेटफॉर्म 1 पे ही आपके सारे रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री सब हैं. यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पे वेटिंग एरिया भी है, अपर क्लास के लिए भी है, एग्जीक्यूटिव लाउंजेस भी हैं एंड काफ़ी खाने के ऑप्शन हैं. प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 5 से आपका टॉय ट्रेन्स जाती हैं तो आप यहाँ पे आके वेट कर सकते हैं या फिर आप वेटिंग रूम में भी वेट कर सकते हैं. दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू. इधर ही एग्जीक्यूटिव लाउंज के पास 2nd क्लास वेटिंग एरिया है. इधर वॉशरूम भी है, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं. एंड यहाँ पे आपको बेबी केयर सेंटर भी मिलेगा तो अगर आपके पास बेबी है तो आप उसका चेंज वेंज भी कर सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पे आपको सारे ट्रेन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगा. यहाँ पे उन्होंने एक बोर्ड पे लिख रखा है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे आती है एंड कौन से प्लेटफॉर्म से, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. टॉय ट्रेन्स के बारे में भी लिखा है तो आप ये भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. सोवेनियर शॉप भी है ना, अभी आई थिंक बंद है तो आप इधर भी बैठ सकते हैं, बट मुझे बहुत टाइम है तो मैं अंदर जाने वाली हूँ वेटिंग रूम में. सारे स्नैक शॉप्स भी हैं इधर. इधर अपर क्लास वेटिंग रूम भी है, ऑल्दो ये मुझे बहुत डिफरेंट नहीं लगा 2nd क्लास से. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट कालका रेलवे स्टेशन इज़ कि यहाँ से आपको पहाड़ दिखते हैं एंड बहुत ही सुंदर सनराइज भी होता है. तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग वाली ट्रेन में आए हैं और टॉय ट्रेन पकड़ने वाले हैं तो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं सनराइज जब तक आपका ट्रेन नहीं जाता है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड कमेंट करके बताइए मुझे आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए.